गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग स्टैटिक्स का टॉपिक मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड सबसे पहले मोड होता क्या है, तो मोड क्या है, द मोड और मोडल वैल्यूज इज दैट वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट। मतलब किसी भी डाटा में मोड या मोडल वैल्यू का वैल्यू होता है जो कि सबसे ज्यादा बार आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि सबसे ज्यादा बार आता है वह मोड या मोडल वैल्यू होता है। अब अगर मोड वैल्यू ये होता है तो मोड वैल्यू को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो इसका प्रोसेस है, स्टेप्स कुछ यहाँ पे दिया गया है, स्टेप्स टू फाइंड मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्टेन द ग्रुप डाटा। अगर कोई डाटा दिया गया हुआ है तो सबसे पहले उसका हम लोग ग्रुप डाटा बनाते हैं, और अगर ग्रुप में दिया हुआ है तो आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, लोकेट द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब वैसे क्लास को हम तो इंडिकेट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता, और दिस क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मतलब जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग मॉडल क्लास कहेंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि मोड ऑफ द ग्रुप डाटा इज गिवन बाय द फार्मूला। अब यह क्या है, जब मॉडल क्लास निकल जाएगा तो उस ग्रुप डाटा का मोड हम लोग कैसे निकालेंगे, यह फार्मूला है जहाँ पे मोड इक्वल टू एल प्लस अंडर ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इनटू H, जहां पे यह क्या है, L क्या है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है। L क्या है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है। F1 क्या है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या है, मॉडल क्लास की पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी है, और 2F1 है, फिर माइनस F0 है। तो फिर ये भी क्या हो गया, मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये फिर क्या हो गया, मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया। और एच क्या है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास हो गया, यानी कि जो मॉडल क्लास है उसका साइज, यानी कि उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लेंगे तो मॉडल क्लास का हमको साइज मिल जाएगा। अब इस टाइम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, द मोड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए साइंस एग्जामिनेशन आर एज फॉलो, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। मतलब किसी एग्जामिनेशन में साइंस के स्टूडेंट्स के 30 स्टूडेंट्स का मार्क इस तरीके से दिया गया हुआ है, क्या है, जो 10 मार्क्स एक स्टूडेंट को आया है, 20 एक स्टूडेंट को, 36 तीन को, 40 चार को, 50 तीन को, 56 दो को, 64 को, और 74 को, 72 को, 81 को, और 88 को, 92 स्टूडेंट्स को, और 95 1 स्टूडेंट्स को। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 30 स्टूडेंट्स का जो साइंस एग्जामिनेशन में पार्ट लिए थे। अब इसका आपको मोड निकालना है, तो मोड निकालना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमको सबसे पहला स्टेप ग्रुप डाटा निकालना है। तो ग्रुप डाटा निकालना है तो यहाँ तो ग्रुप डाटा दिया हुआ है नहीं, तो ग्रुप डाटा लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सबसे लोअर मार्क्स क्या है, ऑप्टेन 10 है, और सबसे हाईएस्ट क्या है 95। तो 95 में से 10 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 95 से 10 को हटा देते हमारा क्या आ गया, 85, और 85 का नियरेस्ट 10 क्या आ गया, 90। तो इसलिए हम 90 को क्या किए, 6 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, तो 15 साइज आ गया, और 15 साइज का हम क्लास इंटरवल ले लेते हैं। हम अपने सुविधा के हिसाब से क्लास इंटरवल ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द क्लास इंटरवल ऑफ क्लास साइज ऑफ 15, क्लास साइज 15 का क्लास इंटरवल बना दिए। कैसे, यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 टू 25, 15 ऐड किए 10 में तो 25 तक, 25 में 15 ऐड किए तो 40 तक, ऐसे ही 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और इस सब को फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10 से 25 के बीच में, तो 10 का 1 और 20 का 1, तो ये हो गया 2, 25 से 40 के बीच में, तो 36 है, 36 का हमारा क्या हो गया 3, 25 से 40 के बीच में सिर्फ 36 है, यहाँ पर 40 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम अपना लिमिट का वैल्यू नहीं लेंगे। अब जो हमारा क्या है 40 से 55 के बीच में, तो 40 से 55 के बीच में हमारा 4 प्लस 3 7 हो गया, फिर क्या हो गया 55 से 70 के बीच में, तो 55 से 70 के बीच में क्या है, ये 56 और 60, तो 2
टू और प्लस फोर ये हमारा क्या सिक्स, फिर सेवेंटी से एट्टी फाइव के बीच में, तो सेवेंटी से एट्टी फाइव के बीच में सेवेंटी है, सेवेंटी टू है और एट्टी है, तो फोर वन वन तो ये भी सिक्स, फिर हमारा क्या है एट्टी फाइव से हंड्रेड के बीच में, तो एट्टी फाइव से हंड्रेड के बीच में क्या है हमारा टू है थ्री है और वन है, इस तीनों का सम हमारा क्या हो गया सिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि सब फ्रीक्वेंसी क्या है, टू है थ्री है सेवन है सिक्स है सिक्स है सिक्स है, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है सेवन है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेवन है, इसलिए ये जो क्लास है 40 से 55 को इसको हम लोग क्या बना दिए मॉडल क्लास बना दिए, इसको क्या बना दिए मॉडल क्लास बना दिए। अब हम क्या करेंगे आगे फॉर्मूला का यूज करेंगे, मोड निकालेंगे, सबसे पहले क्या हो गया एल हो गया, एल क्या है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यानी कि 40, फिर एफ1 क्या है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि 7, ये हो गया 7, एफ0 क्या है मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास यानी कि इस क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि 3 है, इसका वैल्यू यहां पे रख दिए। उसके बाद क्या है 2f1 यानी कि 2 इज मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो 2 * 7 * 2 * 7 = 40। उसके बाद क्या है माइनस एफ नॉट यानी कि 3 और फिर माइनस एफ टू क्या है मॉडल क्लास से ठीक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि मॉडल क्लास के ठीक बाद वाला क्लास क्या है 55 to 70, इसका फ्रीक्वेंसी 6 है, उसको यहाँ पर दिए। और एच क्या है साइज ऑफ मॉडल क्लास यानी कि 40 से 55 पे डिफरेंस 55 - 40 = 50, तो ये यहाँ पे 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, 40 है 7 - 3 तो 4, इधर 40 - 3 - 6 यानी कि 14 - 9 तो आ गया 5, 6 को हम कैंसिल किए 15 को 3 टाइम्स में, तो 4 * 3 12 हो गया, 40 + 12 = 52 हो गया। तो ये हमारा हो गया मोड निकालने का तरीका, तो मोड हम इसी तरीके से निकालेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे, जो भी दिक्कत होगा पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो मीडिया नंबर